हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि नेवी के एग्ज़ाम्स के बाद जो है वो आपका फुल्ली प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो ये दोस्तों उसी सीरीज में आपका जो है वो वीडियो का क्लासेस का पार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो ये आपका क्लास नंबर 2 है। इससे पहले मैं आपका एक एक्स ग्रुप के लिए क्लास आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपका एक रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके फुल्ली क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चंस आपका उसमें होंगे। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, देखिए वीडियो क्लासेस का जो शेड्यूल है वो आपका एक्स ग्रुप के लिए है, आपका 12 बजे एक वीडियो अपलोड होता है। वाई ग्रुप के मैथ आपको जो है वो 2 बजे मिल जाता है, और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का आपको शाम को 4 बजे मिल जाता है। दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको वहाँ PDF के लिए हम यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर ही आपको जो है सारे PDF एक साथ मिलेंगे। इस वीडियो का भी आपको PDF जो है वो इस क्लास के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्यू के पूर्व में पी 4 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। आपको दिशाओं का तो ज्ञान होगा ही। आपका ये होता है आपका पूर्व, ठीक है। इसके विपरीत होता है आपका पश्चिम, ये होता है आपका उत्तर, और यहाँ पर दक्षिण। तो क्यू जो है, क्यू के पूर्व में पी 4 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है, यानी कि मान लीजिए क्यू जो है यहाँ पर है, तो आपका पी जो है वो यहाँ पर होगा, ठीक है। पूरब में होगा, कितनी डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर दूरी। पी वहीं खड़ा है जबकि क्यू जो है 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। देखिए, 4 किलोमीटर ये उत्तर की ओर चला, यानी कि ये ऐसे चलेगा क्यू, ठीक है। 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। पी को देखने के लिए क्यू को किस दिशा की ओर देखना चाहिए? अब देखिए, ये यहाँ से जो है वो इस दिशा में देखेगा, ठीक है। यानी कि ये जो डायरेक्शन होगी आपकी, ये कौन सी होगी, पूरब और दक्षिण, यानी कि दक्षिण पूर्व होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, उसी पर बेस्ड हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे आपका जो है पेपर जो है पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये जो है बिल्कुल पसंद आएगा। या आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी ए का पुत्र है जिसका सी से विवाह हुआ है। ये ए का पुत्र है आपका कौन, बी, जिसका सी से क्या हुआ है, विवाह हुआ है। देखिए, जो विवाह वाले चिन्ह होते हैं उनको हम इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है। किससे विवाह हुआ है आपका, सी से विवाह हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो है वो बी का विवाह सी से हो रहा है। नेक्स्ट आपका, जबकि डी का विवाह ई से हुआ है, यदि ई बी का भाई है। देखो, ई जो है वो आपका बी का भाई है, क्या है इसका, ई हो जाएगा यहाँ पर, क्या संबंध है इसमें, आपका भाई है, ठीक। और ई का विवाह किससे हुआ है आपका, ई का विवाह हुआ है डी के साथ, ठीक। यहाँ पर ई बी का भाई है, तो डी जो है वो ए से क्या संबंध है। देखो, डी जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ए के जो है कौन, कितने पुत्र हो गए आपके, 2 पुत्र हो गए। कौन कौन से, एक बी आपका बेटा हो गया ए का, एक ई बेटा हो गया। तो जब ये डी से शादी हुई है ई की आपकी, तो आपका ए का क्या हो जाएगा, किस प्रकार का संबंध है, ये आपका बहू का संबंध होगा, ठीक है, डॉटर इन लॉ का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में लुप्त संख्या कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 1 दे रखा है 3 दे रखा है, यदि हम इसमें देखें 1, 3, 7 और 15 में, ठीक है। यहाँ पर आपको लुक दिया हुआ है, और यहाँ पर 63। इस पर हम डिफरेंस देखें, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ डिफरेंस देखें आपका, तो कितने का डिफरेंस है आपको, यहाँ डिफरेंस दिखाई देता है 4 का, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस देखें तो आपका 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर यदि हम डिफरेंस देखें तो कितने का आना चाहिए दोस्तों, ये बताइए आप ज़रा। या तो देखिए, एक सीरीज आपकी ये बनती है आपका, कि 1 में यदि हम 2 का गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो 3 आता है, फिर 3 में यदि 2 का गुणा करते हैं, फिर 1 जोड़ते हैं तो 7 आता है, 3 दूनी 6 और 1 7 होता है। 7 में यदि हम 2 का गुणा करते हैं, 1 जोड़ते हैं तो 15 आता है। सेम एज यहाँ पर 15 में यदि हम 2 का गुणा करें, यानी कि 15 में यदि हम 2 का गुणा करें और 1 जोड़ें तो कितना आएगा दोस्तों, 15 दूनी 30 और 1 31 आना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर कुछ ये चीज़ें देखते हैं कि हाँ, लुप्त संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 31 हो जाएगी। कुछ भी आपको रीजनिंग में जो है वो ट्रिक लगाना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द आंसर फिगर इज नॉट मेड अप ओनली बाय द कंपोनेंट्स ऑफ द क्वेश्चन फिगर। कौन सा उत्तर है, उत्तर आकृति केवल प्रश्न आकृति के घटकों से नहीं बनी है।
देखिए ये जो आपका एक प्रश्न आकृति दे रखी है, इसमें से जो है वो इसमें कौन से अंक नहीं है, ठीक है, इसमें घटक यहाँ पर देख लेंगे हम यहाँ पर, तो उसमें डायरेक्टली यदि हम देखें, मैं आपको कहूँ कि ऑप्शन नंबर सी वाला सही हुआ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक चीज ये देखिए, आपकी एक लाइन ऐसे दे रखी है, एक लाइन ये छोटी है, यानी कि दो लाइन देखें आपकी, तो उसमें तो आपकी ये दो लाइन ये हो गई, ठीक है, ये दो लाइन आपकी ये हो गई। सी मैंने यहाँ पर देखते ही कैसे लगाया दोस्तों, ये जो तीर का निशान यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो तीर का निशान है वो आपका प्रश्न आकृति में कहीं भी नहीं दिखता है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी मैंने इसलिए यहाँ पर टिक किया था बिल्कुल देखते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आपको यहाँ पर त्रिभुज गिनने हैं, कितने त्रिभुज हैं बताइएगा मुझे, अपने मन में काउंट कीजिए। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आपने अपने माइंड्स में निकाला भी होगा। देखिए हम त्रिभुज में लगाते हैं एक क्वेश्चन, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज और आपका चार त्रिभुज, ठीक है, चार त्रिभुज तो आपके ये हो गए। अब आपका एक सबसे बड़ा त्रिभुज जो है वो ये है, जिससे मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपके पांच त्रिभुज हो गए और आपका एक त्रिभुज आपका ये है जो आपका इस लाइन से बन रहा है, ठीक है, तो आपके कितने त्रिभुज हो गए, आपके कुल मिलाकर छह त्रिभुज हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिग्निटरीज हैज बीन अवार्डेड द भारत रत्न, निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो इसमें आपको बताना है किसको भारत रत्न दिया गया है। ऑप्शन है आपके श्री आदित्य बिड़ला, सुश्री लता मंगेशकर, लालू प्रसाद यादव या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा लता मंगेशकर, इनको जो है वो भारत रत्न से अवार्ड नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरातन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, आपका उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल या फिर आपका मध्य प्रदेश या फिर बिहार, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिहार, ये आपका बिहार जिले में स्थित है नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश इज अ स्टेट ऑफ इंडिया विच इज लोकेटेड ऑन द ऑर्डर ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है जो कि आपका किस सीमा पर स्थित है, ये आपका इसमें क्वेश्चन है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, पूर्वोत्तर या फिर पूर्व पश्चिमी आपका, तो इससे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्दर्न, ये आपका ठीक है नॉर्थ ईस्टर्न, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्वोत्तर का राज्य है आपका ये मेघालय, ठीक है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आपका सबसे पूर्व का राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपका ये पांच वर्ष का होता है, सभी को पता होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नदी भारत को सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी जो है इनमें से भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका सी वाला, गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था आपका, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को हुआ था, क्वेश्चन नंबर 86 से आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर बी वाला 2 अक्टूबर, ठीक है 2 अक्टूबर 1869 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, हवा महल शाहजहां ने करवाया था, अकबर ने करवाया था, महाराजा ने, ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको, ऑप्शन नंबर महाराजा सवाई प्रताप सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, इनमें से किस जगह पर जो है वो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नन ऑफ दीज, कहां पर है आप बताइएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कहां पर भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच सिटी, तो आपका किस शहर में विख्यात मीनाक्षी मंदिर स्थित है, क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं रामेश्वरम, गुवाहाटी, मदुरई या फिर महाबलीपुरम, राइट आंसर बताना है इसको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला दोस्तों मदुरई में, ये आपका प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीत सेठी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट डिसिप्लिन, ठीक है, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है, गोल्फ से है, बिलियर्ड्स, हॉकी या इनमें से कोई नहीं, नेक्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिलियर्ड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। सोने की शुद्धता मापी जाती है आपका, कैसे मापी जाती है सोने की शुद्धता आपका, कैरेट में मापी जाती है, ठीक है, 24 कैरेट आपका 100% शुद्ध सोना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
ड्राई आइस इज नोन एज, शुष्क बर्फ को कहते हैं, शुष्क बर्फ क्या कहलाती है आपका, ये कहलाती है आपका ठोस CO2, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, तो भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो दोस्तों ये आपका इसमें राइट आंसर वैसे ये वाला होगा, लेकिन यदि आपको प्रेजेंट टाइम पे पूछा जाए कितने आपके यूनिटरी स्टेट और स्टेट्स हैं, तो आपका 28 जो है वो आपका स्टेट्स हैं, ठीक है, जबकि आपका 9 जो है वो आपका यूनिटरी स्टेट्स हैं। अब आपका 9 स्टेट में आपका यूनिटरी स्टेट कौन कौन से हो गए हैं और ये 28 क्यों हो गए हैं, देखिए 29 राज्य थे पहले, लेकिन अब जो है वो जे एंड के को हटाकर जो है वो राज्य नहीं है, जे एंड के अब राज्य नहीं रहा है, वो आपका यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो आपका ये प्रदेश बढ़ गया और इसी में से काटकर बनाया गया है लद्दाख को, तो आपका ये इस प्रकार से ये 9 हो गए, ठीक है, और आपका एक राज्य कम हो गया तो ये आपका 28 हो गए, तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया, तो आपका सबसे लंबी नदी पूछा था आपका, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, गोदावरी नदी, सतलुज नदी या फिर सिंधु नदी, तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मैं कहूंगा कि आपका गंगा नदी इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, दोस्तों आपका पेरिस ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको करवा रहा हूं, देखिए नेवी के SSR एग्जाम में जो है वो पूछा गया है, नेवी SSR और AA के एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है, ये सीन नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका टेम्स नदी के किनारे कौन सा स्थित है आपका, ये आपका लंदन स्थित है, ठीक है, ये लंदन स्थित है टेम्स नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 96 आपका, वॉलीबॉल से है, फुटबॉल से है, क्रिकेट से है या फिर हॉकी से है, राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से है, ठीक है, तो ये आपका रॉबर्ट्स कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है, राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, WWW से शुरू होने वाला पता किससे संबंधित है, तो आपका किससे संबंधित है, यदि कोई वेबसाइट यदि हम बताते हैं तो वो WWW से शुरू होता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब से शुरू होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर मदन मोहन मालवीय, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि क्या आपके जो है कितने क्वेश्चंस यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन में कमेंट में जरूर कीजिएगा और किस प्रकार के क्वेश्चंस आप और चाहते हैं वो भी आप मुझे यहाँ पर बताइएगा। एक रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं आपका, ये क्वेश्चन है आपका, फाइनेंशियल सेक्रेटरी के होते हैं, गवर्नर ऑफ RBI के होते हैं, या प्राइम मिनिस्टर के होते हैं, या फिर प्रेसिडेंट के होते हैं, तो ये आपका वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं एक रुपये के सिक्के पर, ठीक है, एक रुपये के नोट पर आपका फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी किसे कहा जाता है आपका, इसको कहा जाता है उत्तराखंड को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके कुल मिला के क्वेश्चन, आपका जो है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का ये आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट था, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यदि आपको किसी और टॉपिक पर जो वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हैं, जिस टॉपिक पर आप बताएंगे, वैसे तो मैं आपको रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की जो है वो पूरी तैयारी करा दूंगा जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, यदि आपको अन्य वीडियोस पर कोई कुछ भी इसमें कमी लगती है वीडियोस में, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका।